नवी मुंबई नेटवर्क। लेके हाथों में जलती मझाल आग भरता जा रे, कदमों की धूल से बवंडर बना के आगे बढ़ता जा। Ladies and gentlemen, it's showtime. की तेज की तरह शख्सियत है तेरी, नाम में सूरज, जिगर है फौलादी, भूख हड़ताल, प्रशासन से टकरार और जनता का साथ, अंधेरों का रुख प्रकाश की तरफ मोड़ने की कुव्वत रखने में माहिर सूरज पाटिल, एक आम साधारण जनसेवक से आज कुक्षेत गांव और सारसुले गांव के विकास रचयिता के तौर पर जाने जाते हैं। हरडीलिया कंपनी के विस्थापितों के लिए बसे कुक्षेत गांव से ही सूरज पाटिल के राज्य के संघर्षों की कहानी शुरू हुई। 2010 के पूर्व कुक्षेत गांव को नेतृत्व तो मिला, मगर कहीं न कहीं यह प्रभाग और यहां की जनता विकास के सूरज की किरण देखने को ललायत थी। ऐसे समय पर नवी मुंबई के लोक नेता विधायक गणेश नाइक ने एक बदलाव की बयार के साथ विकास का सूर्य उगाने की भागदौड़ सौंपी। अपने अनमोल रत्नों में से एक, अपने भरोसेमंद युवा कर्तव्यनिष्ठ सूरज पाटिल के कंधों पर, मौके को अवसर में बदलने में माहिर सूरज पाटिल ने 2010 के बाद साल दर साल एक एक कर वार्ड का चरणबद्ध तरीके से कायापलट करने की शुरुआत की। प्रभाग को बार बालाओं से मुक्त करवाया। कुक्षित गांव के ग्रामस्थों और युवाओं के न्याय हक के लिए हरडीलिया एसआई ग्रुप कंपनी के खिलाफ भूख हड़ताल कर एक इतिहास रचा। इस संवेदनशील मामले को लेकर राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया और तत्पश्चात अपने कुक्षित गाँव को सूरज पाटिल ने फिर न्याय दिलवाने की जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की। कहते हैं कि सूरज पाटिल भारतीय जनता पार्टी के वो तजुर्बेदार युवा नेता हैं, जो आज अपने संयमी स्वभाव, मिलनसार व्यक्तिमत्व, मधुर भाषी प्रवृत्ति और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के साथ अपनी युवा सोच और अन्याय के खिलाफ आक्रामकता के साथ आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि विधायक गणेश नाइक ने फिर सूरज पाटिल के कंधों पर विश्वास की थाप दी और कुक्षित गांव के साथ सारसोले के विकास की जिम्मेदारी सौंपी। आज सूरज पाटिल के इसी प्रबल नेतृत्व क्षमता के दम पर कुक्षित गांव के साथ सारसोले गांव ने भी विकास के पंख लगाकर गगनभेदी नई उड़ान पकड़ी है। सूरज पाटिल के नेतृत्व में 2010 से शुरू विकास का स्वर्णकाल आज कुक्षित गांव सारसोले सेक्टर 6 में सूरज पाटिल की पत्नी पूर्व नगर सेविका सुजाता पाटिल और पूर्व नगर सेविका जयश्री ठाकुर जैसी सशक्त महिला ब्रिगेड के साथ अभी भी बदस्तूर जारी है। मगर सूरज पाटिल के लिए कभी भी रहा आसान न थी। कटीले मार्ग पर चलते हुए एक समय ऐसा भी आया कि सूरज पाटिल और उनके परिवार पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। राजनीतिक रंजिश और कड़वे अनुभवों का घूंट भी उन्हें पीना पड़ा। मगर कहते हैं ना कि सूरज के समक्ष अंधकार टिक नहीं सकता, उसी भांति सूरज पाटिल और उनका परिवार संकटों से घबराया नहीं, बल्कि और तेजी के साथ विकास रथ को खींचता रहा। संघर्ष पुरुष सूरज पाटिल नवी मुंबई के वो दबंग पूर्व नगर सेवक हैं, जिन्होंने नवी मुंबई के साथ सारसोले में अपना पहला रीडेवलपमेंट प्रकल्प दत्तगुरु सोसाइटी के पुनर्विकास का नारियल फोड़कर सोसाइटी के रहवासियों के घरों के सपने को
साकार किया है। अपने पॉलिटिकल गुरु गणेश नायक के हाथों इमारत के पुनर्निर्माण की नींव रखकर सारसोले के इतिहास में ये पल सूरज पाटिल ने सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर 24/7 निरंतर जनसेवा के लिए सूरज पाटिल को जाना जाता है। वहीं उन्होंने क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन कर फिट कुक्षेत और सारसोले का संकल्प को पूर्ण किया और एकता भाईचारे की भावना का जतन किया। कुक्षेत गांव के विकास गाथा का न आदि न अंत। बता दें कि सूरज पाटिल के प्रयत्नों के चलते आज कुक्षेत गांव में बेलापुर विधानसभा के अंतर्गत पहली अत्याधुनिक 3 मंजिला अंग्रेजी मीडियम महानगर पालिका स्कूल की शुरुआत की गई। महिलाओं के उत्थान के लिए भव्य महिला सक्षमीकरण केंद्र की स्थापना की गई। फिट इंडिया को बढ़ावा देते हुए अत्याधुनिक AC जिम की शुरुआत हुई। कुक्षेत गांव के प्रवेश द्वार का निर्माण हुआ। अत्याधुनिक मार्केट और पार्किंग स्थल को भी मंजूरी मिली। कुक्षेत गांव में निरुल विभाग कार्यालय के भव्य इमारत के निर्माण कार्य को भी मंजूरी मिली। आरोग्य के लिए नागरी आरोग्य केंद्र की स्थापना। कुक्षेत गांव में खेल को बढ़ावा देने के लिए भव्य ग्रीन लॉन युक्त खेल मैदान का विकास। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रभाग में 24 घंटे निगरानी के लिए CCTV कैमरे की व्यवस्था। कुक्षेत गांव के साथ ही साथ सूरज पाटिल के नेतृत्व में सारसोले गांव का विकास भी बदस्तूर जारी रहा। रीडेवलपमेंट प्रकल्प दत्तगुरु सोसाइटी के पुनर्विकास के काम को मिली मंजूरी। सारसोले में भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण। सारसोले जेटी में विद्युत व्यवस्था। डिजिटल शिक्षण प्रणाली विकसित करने हेतु सारसोले स्कूल में डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था। CBSE स्कूल को मंजूरी। ग्रामस्थों और स्कूल के लिए CBSE स्कूल में 400 आसन क्षमता युक्त सभागृह हॉल का निर्माण। MSEB के माध्यम से अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत उद्यानों में ओपन जिम की व्यवस्था। जॉगिंग ट्रैक का निर्माण। सोसाइटी सेक्टर और परिसर CCTV यंत्रणा से लैस। सारसोले गांव व आसपास के परिसर में TWD सीमेंट युक्त रास्ते का निर्माण। पाम्बे सर्विस रोड के करीब वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक और LED लाइट का कार्य। सारसोले गांव को जगमगाने के लिए LED लाइट की व्यवस्था। सारसोले गांव में कंक्रीट टैपिंग सड़क का निर्माण। राजमाता जिजाऊ उद्यान सेक्टर 6 का संपूर्ण कायापलट। नेरुल पाम्बिच मार्ग के बगल में भूमि पुत्र की महानता की गाथा प्रदर्शित करता सांस्कृतिक शिल्प की स्थापना। विकास की गाथा के साथ आगे बढ़ रहे सूरज पाटिल की ताकत है उनके प्रभाव की जनता और इस जनता का विश्वास, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा। सूरज की रोशनी की तरह जिंदगी में तेज ले आए, दुखियारों की जीवन से अंधकार को दूर कर जाए। कुक्षेत और सारसोले का दबंग नेतृत्व सिर्फ एक ही है, सूरज पाटिल। नाम ही काफी है।